हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायस राय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी 386 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर या ऑप्शन डी 385 किलोमीटर। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 385 किलोमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है ऑप्शन सी 1923 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गुरु दयाल सिंह ढिलो, ऑप्शन बी आरसी दत्त, ऑप्शन सी शाहनवाज खान, ऑप्शन डी जनरल मोहन सिंह। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग किसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी आरसी दत्त। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी कम्यूनल अवार्ड, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी माउंटेग्यू घोषणा। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायस राय कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरल डायर की हत्या किसने की। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी उधम सिंह। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है ऑप्शन डी उधम सिंह। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे आज का हमारे 10 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते तो आपको फर्स्ट टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।